सो सबको हैप्पी राखी, और राखी की शुरुआत होती है कुछ मीठे से। सो आज मैं बना रही हूँ सेवैयाँ, और वेरी फर्स्ट टाइम ये मैंने सब कुछ देखा है यूट्यूब पे कि कैसे बनती है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड सो आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसी के साथ आप लोग भी अपना मुँह मीठा कीजिए, और बस थोड़ा सा मैं ये बना के आप लोगों से मिलती हूँ। 2000 years later. और बहना लेके आई रक्षाबंधन का गिफ्ट। ज्योति जल्दी से बैठी रही, तो बस स्टैंड से अपन दोनों को कर दिया जाएगा दूर। जल्दी आइए, वेलकम, स्वागतम। आफ्टर अ लॉट ऑफ कांड, अ लॉट ऑफ कांड, फाइनली मैं आपको लेने आ चुकी हूँ, और अपन दोनों ने ट्यूनिंग किया है। सो आपको पता था क्या क्योंकि मैं कौन से कलर के कपड़े पहन के आने वाली हूँ? नहीं भैया, मुझे क्यों पता होगा, अब से आपको ब्लॉगिंग ओनली जो मैं सामान लाई हूँ उसी के साथ के। वेरी नाइस, तो आप रिंग लाइट लाई हो, मैंने दूर से देख लिया। रिंग लाइट विद ट्राइपॉड विद माइक, एवरीथिंग इज देयर। थैंक यू सो मच। पंचर नहीं था बिकॉज बच्चों ने हवा निकाल दी थी वहाँ पे, ये है इसकी सच्चाई हुई। मैंने सोचा कि इतना बड़ा पंचर रात भर में कैसे हो गया, अभी हो चुका है। हमारा पोपट भैया ने बोला कि कोई पंचर नहीं था, और ये देखिए दीदी मेरे अंदर बैठी है, भैया वापस से टायर चेंज कर रहे हैं। आगे आगे चले गई, मैं करने वाली हूँ उसके साथ एक प्रैंक। मैंने अभी लिया है एक सिगरेट का बॉक्स, और उसके साथ लिए हैं दो तीन लाइटर्स, और उसके बैग में रख दिए हैं। तो अभी देखते हैं कि मैं घर जाके मम्मी को बोलूँगी कि इसके बैग में से कुछ निकालूँगी, टॉप वॉप की मुझे पहनना है, तुम्हारा चेक कराओ बैग में क्या है, तो उसके अंदर से सिगरेट वगैरह निकलेगी, तो प्रैंक काफ़ी अच्छा होने वाला। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये देखिए, अभी देखिए इसकी स्माइल। सो अभी अभी जस्ट मैं घर पे आ चुकी हूँ, और दी और मम्मी दोनों बातें कर रहे हैं। दी के लिए खाना लगा के लाई हूँ मैं, एंड आप लोगों को गिफ्ट्स बताती हूँ जो दीदी ने मुझे गिफ्ट किया अभी तक। हालांकि राखी हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करी है, पर गिफ्ट पहले से आ चुका है, राइट? यस। सो मैं सोचू मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, कैसा रहेगा? तुम टॉप लाई हो ना न्यू, जो तुमने लिए थे अभी। पर तुम सूट में ज़्यादा सुंदर लगी। नहीं पर लेकिन मैं अभी टॉप पहनने वाली हूँ, बिकॉज सूट मुझे नहीं लगता, इट्स लाइक माय कप ऑफ टी। सो चलिए मैं पहनती हूँ, कुछ चेंज करती हूँ। तो दीदी का बैग इधर रखा हुआ है, तो मम्मी अभी निकालेंगे इसमें से टॉप, क्योंकि दीदी न्यू लेके आई है। तो मम्मी आप निकाल दोगे मेरे लिए? मम्मी आपका सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? वाओ, अभी मम्मी से चेन ओपन नहीं हो रही है, इसमें है क्या? अरे इसी में, नीचे चेक तो करो। इसी में नहीं, अरे इसी में है, इसी में पानी की बोतल है, इसी में। आप इसको खोलो, इसके अंदर देखो। अरे ये क्या है इसमें? ज्योति, हाँ ये क्या है इसमें? ये क्या है बहना? और ये कौन सी, ये सब क्या है ज्योति के बैग में? हाँ भाभी का, मेरे मम्मी को पूरा विश्वास है नशे काम नहीं करता। हम्म, ये पीती है। सो फाइनली ये प्लान हो, ये प्रैंक जो था ये हो चुका है फ्लॉप, और ये सुपर डुपर फ्लॉप हुआ है। इससे बुरा फ्लॉप कुछ भी नहीं हो सकता। सो मेरे पूरे पैसे लग गए इसके ऊपर, पर इट्स ओके, ये मैं सेल आउट कर दूंगी। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। प्रैंक तो फेल हो गया है, पर लेकिन अब हम निकलने वाले हैं घर से इन 5 मिनट्स। घर वालों को काफ़ी टाइम लग जाता है, आई एम अ ड्राइवर ऑफ माय होम ऑफ माय फैमिली। सो मैं सबसे पहले गाड़ी में आके ना चिल कर लेती हूँ, ठंडे ठंडे में बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको, लॉक लगाओ, ये करो वो करो। सो बस अभी सब लॉक वॉक लगे और अभी हम निकलने वाले। माफ करो, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत देर लग रहा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। अभी हम आ चुके हैं डीजल भरवाने के लिए, डीजल भरवाते हैं, बिकॉज सबसे पहले घर से निकलते ही मुझे डीजल भरवाना ही होता है। सो हमारी गाड़ी में डीजल हो चुका है ऑलमोस्ट फुल, ज़्यादा फुल कराती तो आज शायद से मुझे मेरी किडनी यहीं पे रखनी पड़ती, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है आते टाइम रख देंगे। मम्मी यार कभी तो फुल टंकी करा दिया करो। अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पे, सब बेहद इंतजार कर रहे हैं हमारा, और
अपने भाई को राखी बांधने के लिए और 101% वो अपने घर पे यही बोल के निकली होंगी, चलो मन तो नहीं है पर ठीक है भाई के लिए चल लेती हूँ, अब फिर नहीं जाऊंगी, राखी पे तो चल ही जाना चाहिए। तो ऐसे करके वो अपना घर का काम करके निकली होंगी, क्योंकि हर राखी पे यही होता है बहनों का, बहनों को क्या थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो बहनें लहराने लग जाती है। खैर ये सारी बातें तो हो गई मजाक के लिए, और आप सब लोगों को वंस अगेन हैप्पी राखी। सो फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे आने ही वाले हैं, उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़ियाओं की, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो बस अभी 2 मिनट में हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, राइट? इतनी सारी राखियाँ लेके आए मम्मी, सब लोग अपनी अपनी पसंद कर लो। सो राखी की पूरी तैयारी हो गई है, सब कुछ राखी वगैरह निकाल ली और अभी उज के 9:05 तो जो अच्छा मुहूर्त है वो स्टार्ट हो गया है, सब राखी वगैरह बांधते हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों ने डिनर कर लिया क्योंकि यहाँ पे गाँव में आप लोगों को पता ही जल्दी डिनर कर लेते हैं। सो सबसे पहले छोटे वाले मामा जी को राखी बांधेंगे क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा कॉल्स आए, तो सबसे पहले छोटे वाले मामा जी से। और फाइनली यहाँ पे हमने राखी बांधी, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घर पे बड़े वाले मामा जी के। सो टाटा, एंड दीदी ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी नहीं। और फाइनली राखी बन चुकी है और इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। कल सुबह आप लोगों को लेके चलूंगी घूमने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट। बहन परफॉर्मेंस दिखाने जा रही, दिस रंगीला रंगीला दिस मेरा रंगीला, दिस रंगीला रंगीला दिस मेरा रंगीला।